हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक. प्रशांत सर हियर. तो हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, दैट इज सेक्शन फार्मूला. तो हमें पहले यहाँ पे समझना होगा सेक्शन फार्मूला क्या है और कैसे इसे अप्लाई करना है. तो सपोज करिए आपके पास दो पॉइंट की ज्वाइनिंग एक लाइन है. लेट दिस पॉइंट बी ए हुज कोऑर्डिनेट्स इज गिवन एज x1, y1. अनदर पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2. सपोज अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन ए बी. लेट दैट पॉइंट बी पी हुज कोऑर्डिनेट्स वी एज्यूम दैट x, y. एंड इफ दिस लाइन इज डिवाइडेड इन सम रेशियो, लेट दैट रेशियो बी m1 एंड m2. तो हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कि x और y की वैल्यू क्या होगी. तो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला. अब इसकी क्या वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. तो अगर आप p की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, px, y की, यानी आप फाइंड करना चाहते हैं p के कोऑर्डिनेट्स यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कलेक्शन, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2 + m2y1 / m1 + m2. तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, पॉइंट पी के, जो कि डिवाइडेड है इन द रेशियो m1 / m2. यानी बेसिक यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर एक कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो जिस पॉइंट पर लाइन डिवाइड हुई है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. ये तो हो गया पहला केस. अब सपोज करिए कि आपको पॉइंट दिया गया है, आपको पॉइंट मालूम है कि ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और आपसे कहा गया रेशियो फाइंड करिए कि वो रेशियो कितना होगा. तो ऐसे केस में आप लेट करके चलेंगे कि वो रेशियो कितना होगा, k = 1. कितना होगा, k = 1, और आप k की वैल्यू निकालेंगे. चलो इसको क्वेश्चन से देखेंगे अभी आगे चल के. अभी हाल फिलहाल हमें जो है सेक्शन फार्मूला समझना है कि सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करना है और उसका फार्मूला क्या है. तो ये था सेक्शन फार्मूला. इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, कुछ एप्लीकेशन से यहाँ पे देखेंगे सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करेंगे. तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पॉइंट की ज्वाइनिंग एक लाइन है, वो ज्वाइन हो रही है ए और बी से. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज -1, 7 and 4, -3. अब यहां से आपको मालूम चल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे करना है. एंड द पॉइंट, द लाइन इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी इन द रेशियो 2:3. तो देखिए ये वैल्यू किसकी दी गई है, x1 की, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ये आपका m1 है एंड दिस इज योर m2. और आपको फाइंड क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट्स. तो हम मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बी x, y. तो हम यहाँ पे px, y फाइंड करेंगे, और फाइंड करने का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे. मैं एक बार फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ, m1x2 + m2x1 / m1 + m2 / m1y2 + m2y1 / m1 + m2. Now what you need to do, just place the values of m1, m2, x1, x2, y1, y2 and you'll get the answer. चलिए यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व. m1 that is 2, x2 that is 4 plus m2 that is 3, x1 that is -1 upon m1 plus m2 2 plus 3, comma m1 into y2, m1 2 है, y2 -3 है, 2 into -3 प्लस m2 इंटू y1, m2 3 है, y1 7 है, 3 × 7 अपॉन m1 + m2. इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 4 = 8 - 3 = 5 / 5,
-6 + 21, तो ये आपका बना है 15/5। आपने इसे फर्दर कैलकुलेट किया तो ये आपका बन के आया 1.3। यानी जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने आए, 1.3। यानी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स -1.7 and 4.-3 इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट पी इन द रेशियो 2:3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विल बी 1.3। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कहा गया है कि एक लाइन है पी क्यू जो कि ज्वाइन हो रही है दो पॉइंट पी और क्यू से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए 4.-1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए -2.-3। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब है द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पहला पार्ट है पी ए, दूसरा पार्ट है ए बी और तीसरा पार्ट है बी क्यू, और ये दिया गया कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। यानी पी ए, ए बी और बी क्यू तीनों के तीनों पार्ट्स आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। देन वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर पी ए x यूनिट की लेंथ है तो ए बी कितना होगा, ये भी x यूनिट की लेंथ होगी, और बी क्यू कितनी होगी, ये भी x यूनिट की लेंथ होगी। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपका फिगर कुछ इस तरीके से है कि ये p है, ये q है और ये एक पॉइंट ऑफ डिवीजन a है। तो यहाँ पे a का रेशियो कितना बनेगा कि a किस रेशियो में पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो आप देखिए ये 1:1 है और ये इतना पूरा कितना है, 2:1। कैसे, ये लेंथ आपकी x है और ये लेंथ आपकी पूरी कितनी हो गई, 2x। तो किस रेशियो में डिवाइड हुई है, 1:2 में। तो ये 1:2 आपका आ गया जब आप ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते टाइम आपको m1 और m2 मालूम चल गया। m1 आपका 1 है और ये आपका m2 है। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मालूम है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, -2, -3 और 4.-1। तो हम फाइंड कर रहे हैं ए के कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला हम जान चुके हैं क्या है। तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यूज रखते हैं। m1 x2 आपको मालूम है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। m1 x2 यानी 1 × -2 + m2 x1 यानी 2 × 4 / m1 + m2 3, m1 y2 m1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास -3 है यानी 1 × -3 + m2 y1 2 × -1/3। तो यहाँ पे आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं क्या, -2 + 8 हमारे पास बचा है 6/3, -3 - 2 - 5/3। फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2, -5/3। तो आई होप अब आप b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और जब b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m1 / m2 आपका बदल के कितना हो जाएगा, 2:1। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b, देन द रेशियो m1 and m2 विल बी कंसीडर्ड एज 2:1। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। b के कोऑर्डिनेट्स मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। मैंने बता दिया है कि रेशियो आपका 2:1 होगा, बाकी के कैलकुलेशन और फॉर्मूला जो है आप यहां पर अप्लाई करेंगे। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्स एक्सिस पे चाक पाउडर से कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट किए गए, जो मैंने 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter ईच, और 100 टोटल फ्लावर पॉट्स हैं जो कि प्लॉटिंग करना यहाँ पर मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं आपके, तो
तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आपका कितना है, 100 यूनिट का है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपके 100 तक जाएंंगे, और एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ 10 तक कर ले लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करा रही है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि सेकेंड लाइन पर एक्स एक्सिस में एक लड़की यहाँ पर सेकेंड लाइन के थ्रू अलोंग रन करती है और वाई एक्सिस की टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर कर रही है। वो चल किस लाइन पे रही है, सेकेंड लाइन पे, और वाई एक्सिस पे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4। अब वाई एक्सिस की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 यूनिट 100 मीटर कुछ भी कह लें आप, तो 1/4 कितना होगा, 25, यानी एक्स एक्सिस पे वो सेकेंड लाइन पे 25 यूनिट चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो एक दूसरी लड़की रन कर रही है, वो जो है 8th लाइन पर एक्स एक्सिस में और टोटल डिस्टेंस का 1/5 चल रही है। टोटल डिस्टेंस का कितना चल रही है, 1/5, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे वो 8 यूनिट पे है और 1/5 का मतलब है 20। तो आपको फाइंड करना है कि एक तीसरी लड़की है जो इसके जस्ट हाफ वे पर मिडिल पॉइंट पर फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है, तो वो आपको बताना है कि वो पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पर ये आपका 2.25 है, ये आपका 8.20 है, तो बहुत इजीली हम इसका मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं। एक लाइन का मिड पॉइंट होता है, सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये x1.y1 है, ये x2.y2 है, और अगर आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये 1:1 में डिवाइड होगी, यानी आप m1 और m2 की जगह फॉर्मूले में क्या रख रहे हैं, m1 की जगह 1 रख रहे हैं, m2 की जगह 1 रख रहे हैं। तो ऐसा करने पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि x1+x2/2, y1+y2/2, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 2+8 10 10/2 5, 25+20 45/2, यानी 22.5। यानी अगर किसी को जस्ट हाफ वे पर आना है तो वो पांचवी लाइन के अलोंग 22.5 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर कवर करे, तब जाके जो है वो एक फ्लैग को पोस्ट कर पाएगी जस्ट इन द मिड ऑफ दीज टू गर्ल्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ईजी क्वेश्चन था, केवल फिगर की एक स्केचिंग थी दिया गया था ताकि आपको ऐसा कुछ लगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है और कठिन है, जबकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अब ये जो मैं एक के रेशियो वन वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहा था कि सपोज आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन और आपसे पूछा गया इन व्हाट रेशियो द लाइन इज डिवाइडेड, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक लाइन है ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज -3, -10 एंड 6, -8। ये आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है अ पॉइंट A is lying on the line and it is dividing the line whose coordinates are given as -1, 6. Then find in what ratio the line is divided. किस रेशियो में लाइन डिवाइड हुई है? अब ये जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया। अभी तक आपको रेशियो मालूम होता था, आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे, लेकिन इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है, रेशियो फाइंड करना। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको करना है कि आप इसे के रेशियो वन में डिवीजन एज्यूम करके चलेंगे। तो ये आपका हो गया m1 और ये आपका हो गया m2। दिस विल वर्क एज m1 एंड दिस विल वर्क एज m2। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। a -1, 6 हमें मालूम है और इसको हम निकाल भी रहे हैं, a -1, 6 को यूजिंग द फॉर्मूला m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ, ये आपकी वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, एंड दिस इज योर x2 एंड y2। m1x2 तो हमारे पास आया m1x2 यानी 6k प्लस m2x1 यानी -3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2
एम वन वाई टू माइनस एट के प्लस एम टू वाई वन टेन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आपका ए माइनस वन सिक्स। यानी हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम थे फिर भी हमने कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड किए, क्यों किए हैं कि अब हम एप्सिसा से एप्सिसा कंपेयर कर दें और हम ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट कंपेयर कर दें, के की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस वन किसके इक्वल है, एप्सिसा के इक्वल है। तो यहाँ पे एप्सिसा आपका क्या है, सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन। इसे आप सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सिक्स के माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस के माइनस वन, यहाँ पे आ गया है सेवन के और यहाँ पे बचा है टू, तो के इक्वल्स टू आपका कितना आया है टू अपॉन सेवन। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है टू अपॉन सेवन, और के क्या है, के और कुछ नहीं के एम वन अपॉन एम टू की वैल्यू है। के को हमने शुरू में क्या लेट कर लिया था, हमने के को एक रेशियो माना था एम वन और एम टू का, चूंकि ये के रेशियो वन था तो के रेशियो में के की वैल्यू अगर मैं एम वन अपॉन एम टू रेशियो वन रख दूं तो ये क्या बनेगा एम वन रेशियो एम टू। तो इसलिए ईजियर कैलकुलेशन के लिए हम एम वन रेशियो एम टू को के रेशियो वन मान लेते हैं। तो आपकी के की वैल्यू कितनी आई है टू अपॉन सेवन, यानी ये टू रेशियो सेवन में डिवीज़न हुआ होगा, तब जाके ए के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने आए होंगे माइनस वन कॉमा सिक्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं आगे और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस इसी के जैसे देखेंगे या नए क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराऊंगा। टिल देन आप और आगे के क्वेश्चंस करिए, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।